नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण गुप्ता है और मैं एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरे सेंटर का नाम है प्रवीण हार्ट एंड मेडिकल सेंटर, निर्माण विहार, नई दिल्ली। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक इको की, बच्चों में दिल का अल्ट्रासाउंड। तो बच्चों में दिल की बीमारी के क्या लक्षण होते हैं? अगर बच्चों में अगर जन्म के बाद अगर आपका बच्चा दूध पीते पीते रुक जाता है बार बार, या वो जब वो दूध पीता है तो उसकी सांस तेज तेज चलती है, या दूध पीते पीते उसके माथे पे पसीना आ जाता है, या वो दूध पीते पीते रुक जाता है बार बार, केवल कुछ समय के लिए दूध पीता है और फिर दोबारा से दूध पीता है, या अगर आपका बच्चा नीला पड़ जाता है, या अगर आपका बच्चा चलते चलते नीला पड़ जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है, या अगर बच्चा चलते चलते नीला पड़ जाता है, बेहोश हो जाता है, इसके अलावा अगर आपका बच्चा अगर आपसे कहता है कि जब वो चलता है तो उसकी सांस फूलती है, चलते चलते उसको दिल की धड़कन महसूस होती है, चलते चलते बेहोश हो जाता है, चलते चलते पसीना आता है, या अगर आपके बच्चे को बहुत लंबे समय से बुखार आ रहा है, या अगर बुखार के साथ उसको शरीर पे लाल लाल रंग के धब्बे हो रहे हैं, या अगर आप बच्चे का सीने में अगर उसके पेरेंट्स उसको टच करते हैं, अगर उनको कोई हार्ट से साउंड महसूस होती है, या अगर आपके बच्चे का एक्सरे में दिल का साइज़ बड़ा आता है, या आपके बच्चों के डॉक्टर बताते हैं कि उसके दिल से कोई साउंड आ रही है, तो ये सब लक्षण बताते हैं कि आपके बच्चे को दिल की बीमारी है और इन सब कंडीशन में दिल का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। बच्चों में जो दिल के अंदर हार्ट के अंदर छेद हो सकता है, या उनके अंदर दिल के अंदर जहाँ से खून जाता है या बाहर जाता है, वो सब रास्ता बंद हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो भी दिल की बीमारी की वजह से हो सकती है। इन सब कंडीशन में बच्चे के दिल का अल्ट्रासाउंड करवाइए जितना जल्दी हो सके। धन्यवाद।